अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके लिए दो दो काम करने वाली हूँ, कैमरा मैनिंग भी और कुकिंग भी, सो टू इन वन है। और आज आपके लिए जो मैं चने का सालन लेकर आई हूँ ना, वो झटपट बनने वाला है, इंस्टेंट, सो कीप वॉचिंग। सबसे पहले आपने ऑयल डालना है हाफ कप, फिर मैंने प्याज लेकर इसको पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है, तो ये आप इसमें डाल देंगे। प्याज मैंने ली है पिसी हुई 2 कप। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या बनाएं और क्या ना बनाएं, तो ये चने आप बॉईल करके अपने फ्रीजर में फ्रीज कर लीजिए और एक एक पैकेट लाइक जितना आपका एक वक्त में लगता है आप उस हिसाब से निकालिए और झटपट प्याज को ग्राइंड करें, प्याज को फ्राई करें। अभी मैं आके आपको प्रोसीजर बताती हूँ कि किस तरह बनता है, और झटपट ये तैयार है, और मजेदार सी चपातियों के साथ, पराठों के साथ तो क्या ही बात है, आप सुबह नाश्ते में खाएं, और रात में अगर बना रहे हैं तो चपातियों के साथ या थोड़े सादे तड़के वाले चावलों के साथ भी बहुत मजे का लगता है। अभी देखिए प्याज जो है वो अच्छे से इसको थोड़ा फ्राई कर लें आप। आई होप कि आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। अब इसमें मैं थोड़े मसाले ऐड करूंगी। सबसे पहले 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन, अदरक लहसुन के बाद मैं ये टमाटो पेस्ट डालूंगी। पिसी धनिया 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत ज़बरदस्त सा आता है। हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, और पिसी लाल मिर्च अपने हिसाब से, वैसे तो आप डाल लें, ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। इस स्टेज में थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर दें ताकि ये जले ना, मसाले डालें जो हैं। अच्छा, इस स्टेज पर मैंने ये चने जो हैं कल बॉईल करके इनको डिब्बों में पैक करके फ्रीज कर दिया था, ये मैं डाल दूंगी। ये तकरीबन समझ लें 500 ग्राम है ये, इसको थोड़ा सा ये फ्रीज हुए में, इसको जरा सा हम पानी डाल के थोड़ी देर मैं ढकूंगी इसको ताकि ये नरम हो जाए। जी, तो अब मैं इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट पकने दूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब इधर इस स्टेज पर मैं इसमें नमक डाल दूंगी थोड़ा सा। बहुत ही मजेदार खुशबू आ रही है। अच्छा, इसका टाइमर आप लगाकर चेक कीजिएगा, अराउंड 15 से 20 मिनट में आपका ये खाना रेडी है, बट आपके चने उबले हुए फ्रीज हुए हुए हों, जस्ट आपने जो है प्याज को ग्राइंड करना है, और टमाटो पेस्ट भी लोगों की अक्सर बेशतर टमाटर जो है उसको उबाल कर पेस्ट बना रखा हुआ होता है, नहीं है तो झटपट वो भी बन जाता है। उसके बाद मसाले डालें, प्याज भूनें, और झटपट आपका सालन तैयार है। सालन जो है, चनों का सालन झटपट तैयार हो चुका है, टेस्ट करके बताती हूँ मैं आपको। इसको मैं डिश आउट भी नहीं करूंगी, और इसको मैं थोड़ा सा बस निकाल के, और ये आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक मेरे लिए था, एक आपके लिए, और मेरा मशवरा माने, झटपट जाएं, चने बॉईल करें, एंड मेक दिस इंस्टेंट रेसिपी। मजा ना आया, पैसे वापस। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।